हेलो एवरीवन अ वेरी वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेशन एंड गुड इवनिंग एवरीवन जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ और एक बार सबसे पहले मुझे बता दो आई एम परफेक्टली ऑडिबल और विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू और नॉट तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाओ बेटा जल्दी से हेलो प्राप्ति हेलो अलकनंदा हेलो वजह त्यागी बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग आई एम परफेक्टली ऑडिबल और विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू एक बार मुझे कमेंट करके बता दो जल्दी से आई एम परफेक्टली ऑडिबल और विजिबल टू ऑल ऑफ़ यू और नॉट परफेक्टली ऑडिबल एंड ओके हेलो 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 बेटा सारिका सारिका गुड इवनिंग चलो तो प्राप्ति ने मुझे कमेंट करके बता दिया है आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टुडे यू विल टेक मेंटी नहीं बेटा आज की क्लास में कोई मेंटी नहीं होगी आज की क्लास में होगा सिर्फ रिवीजन जो कि होने वाला है किसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पेरीमीटर एंड एरिया का क्विक रिविजन आप लोगों ने बोला था कि मैम रिविजन करवा तो आज की क्लास में मैं सिर्फ करवाऊंगी मेंटी आपको अगर इसकी चाहिए होगी तो मुझे बता देना मैं इसकी मेंटी आपको बाद में दे दूंगी है ना ठीक है ओके तो चलो फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के लिए जो डिमांड थी उस पर आ चुका है वैदिक मैथ की क्लास होने वाली है सिक्सटींथ जनवरी को जरूर से सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो लिंक आपको मिल जाएगी क्लासेस शेड्यूल हो चुकी हैं तो आपको लिंक मिल जाएगी तो क्या करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो सिक्सटीन जनवरी को सभी लोगों को आ जाना है टाइमिंग क्या है तो टाइमिंग है फाइव ठीक है फाइव थर्टी पीएम पे सभी लोगों को आ जाना है बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्लास शेड्यूल हो चुकी है आप लोग जाकर के वहां पर नोटिफिकेशन को अपनी टर्न ऑन कर लो नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लोगे तो बिल्कुल भी याद रहेगा वो जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके <laughs> चलो ठीक है हाँ बेटा रिवीजन हम करवा देंगे अगर मैं इन दोनों कर, रिवीजन भी कर और मेंटी भी करवाऊं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वन आवर के टाइम में रिवीजन और मेंटी दोनों पॉसिबल नहीं है या तो हम ये कर सकते हैं मैराथन क्लास में या तो फिर मेगा मेंटी क्लास लें जिसमें सिर्फ मेंटी हो तो उसमें पॉसिबल हो सकता है ठीक है तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से और सिक्सटीन जनवरी की क्लास को कोई भी नहीं भूलेगा जल्दी से जाना है नोटिफिकेशन को अपनी टर्न ऑन कर लेना है जिससे कि ये वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए और आप सभी को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर सके बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक होने वाली है बहुत ही लंबे लंबे कैलकुलेशन को आप लोग शॉर्ट टाइम में कर लोगे ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो बने रहना सिक्सटीन जनवरी को जरूर से आना सभी लोग और नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लो जिससे कि वीडियो मिस नहीं हो बिल्कुल भी

हाँ आज रिवीजन ही होगा बेटा अभी लोगों की डिमांड थी ना कि साथ रिवीजन करवा दिया जाए तो जैसा आप बोलते, उसी की डिमांड पे मैं शेड्यूल कर देती हूँ ये क्लास ठीक है ओके थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू प्राप्ति चलो तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू बेटा हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू हैप्पी पोंगल क्या क्या नेम होते हैं बेटा इसके नहीं आज की क्लास में मेंटी नहीं होगा आप लोग क्या चाहते थे इसका रिवीजन तो आज की क्लास में सिर्फ इसका रिवीजन ही होगा देयर इज नो मेंटी बेटा आज कोई भी मेंटी नहीं है तो जिसने अभी तक मुझे अनअकैडमी अकेडमी में फॉलो नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जल्दी से जाओ और वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लो तो क्या करना है अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है गोल अपना सेलेक्ट कर लेना है और गोल सेलेक्ट करने के बाद आप नेम सर्च करना ज्योति जायसवाल वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो और इनफैक्ट अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है फॉलो करने में तो किसी भी वीडियो की मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना वहां पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वहां से जाके फटाफट से फॉलो कर सकते हो ठीक है मेंटी जो होगी ना मींस पोल्स होंगे वो पोल आपको मिलेगा बेटा सेवन थर्टी वाली क्लास पे तो सेवन थर्टी वाली क्लास पे बहुत ही सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन है पेरीमीटर एंड एरिया के अगर आपको अच्छे क्वेश्चन करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं पेरीमीटर और एरिया के तो सेवन थर्टी पे जो स्पेशल क्लास होने वाली है अकेडमी पे उसमें जरूर से ज्वाइन करना मैंने आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके रखे हुए हैं उसमें ठीक है ये बेटा टुडे पेरीमीटर एंड एरिया के हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन आईसीएससी के है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि होंगे पेरीमीटर एंड एरिया के और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आपको देख के जरूर लगेगा आज आपको कॉपी पेन लेके बैठने की जरूरत पड़ सकती है और क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे मिलने वाले हैं चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आपको अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे क्या क्या मिलता है बेटा बहुत सारे कंटेंट है जो आपको फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं तो ये सारे फ्री कंटेंट आप लोग कैसे पा सकते हो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना मुझे फॉलो कर लेना वहां से उसके बाद मेरी किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करोगे तो किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है तो आप जे जे लाइफ कोड को अप्लाई कर दोगे और जैसे ही आपका ये कोड अप्लाई होगा तो आपके सारे फ्री प्लान जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे अनलॉक हो जाएंगे उसी फ्री प्लान में आपको क्या मिलता है फ्री टेस्ट मिलते हैं पहले नंबर पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो डेली टी ट्वेंटी टेस्ट सीरीज और चेक कर सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया ठीक है बेटा तो सभी को समझ में आ गया हेलो त्यागी हेलो हाउ आर यू बेटा कैसे हो आप सभी लोग चलो तो स्टार्ट करते हैं अटेंड द एनालिसिस सेशन टू गेट्स योर डाउट क्लियर आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और ये जो टेस्ट सीरीज होती है इसमें इजी मीडियम और डिफिकल्ट सारे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं ओके okay? नेक्स्ट आपको बहुत सारी प्रैक्टिस मिलती हैं साइंस की मिलती है मैथमेटिक्स की मिलती है इंग्लिश हिंदी और उसके बाद सोशल साइंस एस की भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाती है तो ये सारी प्रैक्टिस सेट आप लोग अटेम्प्ट करो और चेक करो कि आप इतनी ढेर सारे बच्चों में किस पोजीशन पे लीड कर रहे हो आपकी रैंकिंग क्या आप आ पा रही है ये सभी कुछ आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो तो ये सारी चीजें भी कैसे अनलॉक करोगे जे जे लाइफ कोड का यूज करो और सारी चीजें आपकी हो जाएंगी फ्री में अनलॉक ओके हेलो बेटा पूर्णांक हेलो पूर्णांक हाँ यू कैसे हो आप सभी अच्छा आप प्रियांशी हेलो बेटा प्रियांशी गुड इवनिंग हाय प्रियांशी प्राइवेट टेलीग्राम आईडी ओके अच्छा ठीक है तो आप लोग बना दो आप लोग अगर बनाते हो तो बना लो उसके बाद फिर आपके जो भी डाउट हुआ करें देखो बेटा सैटरडे को मैराथन क्लास होती है स्पेशल पे और उसके बाद फ्राइडे को मैं लेती हूँ डाउट क्लियरिंग सेशन तो आपके जो भी डाउट हो ना आप फ्राइडे को आकर के मुझसे आराम से पूछ सकते हो मैं डाउट के लिए ही स्पेशल क्लास लेती हूँ तो आपके फ्राइडे को जो भी डाउट हुआ करें आराम से आ जाए करो सेवन थर्टी वाली क्लास पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर वहां पे नहीं क्लियर होते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो मैं वहां पे आपको सॉल्व करके दे दूंगी ठीक है आई एम गुड बेटा आई एम गुड कैसे हो आप सभी हेलो हर्षिता बेटा हेलो हर्षिता गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग प्रियांशी गुड इवनिंग ओके तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे का देखो आपको क्या क्या मिलता है डेली फ्री स्पेशल क्लासेस होती है क्लास सिक्स की क्लास सेवन की क्लास एट की लाइव सेशन होता है बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑन द सिलेबस कंप्लीशन लाइव फ्री पोल्स होते हैं जो हम लोग डेली करते हैं क्विजेस होती है डाउट सॉल्विंग एंड अदर इंटरेस्टिंग क्लासेस फॉर द फ्री तो आप ये सभी चीजों को अनलॉक कर सकते हो सिर्फ एक कोड की हेल्प से जो की होता है जे जे इस कोड का यूज करना है और आपके की तरफ से जो सारे फ्री प्लान आपको दिए गए हैं वो हो जाते हैं अनलॉक संडे को मेगा मेंटी पेयर ऑफ एंगल्स संडे को आई थिंक बेटा मैं देख के आपको कल बता दूंगी कि संडे को कुछ है कि नहीं है ना क्योंकि सिक्सटीन को जो सैटरडे पड़ रहा है ना सिक्सटीन को सिक्सटीन को आपकी एक्चुअली बहुत सारे बेटा मैं दो 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 मैराथन ले रही हूँ एक आपकी यूट्यूब स्पेशल होने वाली है वैदिक क्लास की जो कि आप सभी को पता है और उसके बाद पे होने वाली है मैराथन क्लासेस ऑन द फ्रैक्शन एंड डेसिमल तो इतनी ज्यादा मैराथन के बाद इतनी ज्यादा मेहनत के बाद अगर संडे को हो पाएगा पॉसिबल तो मैं क्लास को जरूर से रख दूंगी अदरवाइज फिर आपको मंडे को जरूर से मिल जाएगी ठीक है <coughs> ठीक है मंडे को आपको जरूर से मिल जाएगी कल YouTube में क्या होगा कल YouTube में आई थिंक कल मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स विजुलाइजिंग सॉलिड शेप स्टार्ट होगा कल है ना यूट्यूब में उसके बाद 16th को होगी वैदिक मैथ की स्टार्टिंग और उसके बाद फिर वैदिक मैथ की पूरी सीरीज आपको स्पेशल क्लास पे देखने को मिलेगी उसके बाद से ठीक है टुमारो टॉपिक फॉर द यूट्यूब क्लास बेटा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप स्टार्ट होगा विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप्स ओके चलो तो स्टार्ट करें फिर बेटा हम लोग क्लास सिक्स क्लास सेवन और क्लास एट के अलग अलग बैचेस हैं आपको जिस बैच में अपने बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं उनकी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो अपने स्टडी को आगे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बैचेस को अनलॉक करने के लिए आने के का लर्निंग ऐप आप आपने अब तक इंस्टॉल कर ही लिया होगा नहीं किया है तो कर लो जे जे लाइफ कोड अप्लाई करके फ्री प्लान को अपने अनलॉक कर लो उसके बाद जब बैचेस को अनलॉक करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी सब्सक्रिप्शन किस तरह के होते हैं एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन तो प्लस में क्या क्या बेनिफिट होती है बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन के प्लस में देखने को मिलते हैं और प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है आप इसको इजिली अफोर्ड कर सकते हो अगर बाई चांस आप इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक कोड बताती हूँ एस पी लाइव इस कोड को अप्लाई कर देना आपको मिल जाएगा टेन परसेंट का डिस्काउंट है ना टेन परसेंट के डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज कर लो और आपको टेन परसेंटेज का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो लर्न लाइफ फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम अपने घर से बैठ के पढ़ाई करोगे अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलते हैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मीन आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाता है साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद एडवांसिंग इन द चैप्टर ये सब कुछ भी अच्छे से करवा दिया जाता है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होती है लाइव टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल मिलता है पीडीएफ के फॉर्मेट में आंसर राइटिंग सेशन और द मेंटरशिप गाइडेंस ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है है ठीक तो क्या सभी लोगों को समझ में आ गया कि कल की क्लासेस किस टॉपिक पे होनी है है उसके बाद आपको आइकॉनिक में क्या मिलता बेटा तो जितनी सारी चीजें प्लस में मिलती है ना वो आपको आइकॉनिक में देखने को मिलेगी ही मिलेगी आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या होता है तो पर्सनल मेंटर मिल जाते हैं लाइव डाउट सोल्यूशन होता है पेरेंट कनेक्ट होता है और स्टडी प्लानर ये सब आपको आइकॉनिक में भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं ठीक है अब उसके बाद जो मेन बात है आपको बताना है कि आप प्रिपेयर कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ और देखो बेटा जिसने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो यहां पे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी भी लिंक मिल जाएगी और सबसे स्पेशल चीजें जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग जल्दी से आ जाओ सबसे स्पेशल चीजें बतानी है यूट्यूब फेस्टिवल सिक्सटीन जनवरी को है वैदिक मैथ की क्लास मेरी होने वाली है

वो आपका टेस्ट होगा ठीक है हेलो बेटा रिथानिया हेलो तो आपका टेस्ट होगा जितनी मैंने कैलकुलेशन आपको फास्ट करके सिखाया कि आप ऐसे ऐसे करके फास्ट करोगे वही आपका मेंटी में मैं भी कर लूंगी तुरंत ही तो चलो फिर रेडी रहना सभी लोग जरूर से बेटा आना इस टाइमिंग पे सिक्सटीन जनवरी टाइमिंग है तो सभी लोगों को जरूर से आना है आपके सीबीएसई क्लास एट्थ पे भी ये सारे टीचर्स हैं जिनकी होने वाली यूट्यूब फेस्टिवल पे स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस दोनों होगी तो आप इनकी भी क्लासेस को जरूर से वॉच करना टाइमिंग मैंने आपकी देखो सारी रखी हुई है टाइमिंग आप देख सकते हो स्क्रीन पे उसके बाद बेटा क्लास सिक्स के भी टीचर्स हैं जो जनवरी को फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किए हैं इनकी भी क्लासेस होने वाली है तो इनकी टाइमिंग भी आप देख सकते हो सभी की टाइमिंग अलग अलग है आपके स्क्रीन पे शो हो रही है हेलो गुण इवनिंग, गुण इवनिंग, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक रिवीजन मैराथन चल रहा है बेटा ये है क्लास नाइन टू क्लास ट्वेल्व अभी मैंने जितना चीजें बताया क्लास सिक्स टू एट का बताया क्लास नाइन टू तो क्लास ट्वेल्व में रिविजन मैराथन चल रहा है फाइव डे का रिविजन मैराथन है ये आपको फ्री मिलेगा रिविजन मैराथन मीन्स आपका रिविजन करवाया जाएगा बहुत ही फास्ट वे में है ना तो इसकी डेट क्या है सिक्सटीन जनवरी से लेकर के ट्वेंटी जनवरी तक ये चलेगा टाइमिंग अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग टीचर्स की अलग अलग है ये आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है तो चलो फिर बहुत हो गई बातें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि होगा क्विज क्या हो गया बेटा ओके कोई बात नहीं हो जाता है कोई बात नहीं चलो अच्छा आपने ग्रुप बना भी दिया प्राप्ति आपने ग्रुप बना भी दिया क्या चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं देखो पेरीमीटर एंड एरिया और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आज होने वाला है क्विक रिवीजन तो इसका सभी लोग क्विक रिवीजन कर सकते हो और आज की क्लास में अच्छे से बने रहो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी जिसके आपको आंसर यहीं पे देने होंगे कमेंट सेक्शन में आज कोई मेंटी नहीं है तो ये मत सोचना कि आप लोगों के सामने कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे मैं क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करूंगी जिसके आंसर आपको तुरंत देने होंगे ठीक है यस बेटा टुडे आई हैव स्पेशल क्लासेस एट सेवन थर्टी पीएम सेवन थर्टी पीएम पैरिमीटर एंड एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पैरिमीटर एंड एरिया पे होगी स्पेशल क्लासेस ओके ठीक है चलें तो फिर स्टार्ट कर दें हम लोग आगे का सेशन चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन अभी आप लोगों तो की परमिशन हो तो स्टार्ट कर दें सेशन जल्दी से बताओ क्या स्टार्ट कर दिया जाए ओके बेटा मैंने आपके कमेंट्स को रीड कर लिया कि आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है है ना आज आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं यूट्यूब वाली क्लास देख लो अगर हो पाएगा सही से तो स्टार्ट कर देंगे ना वो वाली भी देख लेना चलो तो कंटेंट क्या है बेटा एंड एरिया एक्सप्रेशन इन दोनों का हम लोग करेंगे करेंगे क्विक बहुत ही फास्ट आपको एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के बार बार बोर नहीं करना है इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं कुछ नया है, आपको सिखाते हैं चलो तो एक साथ सारी चीजें मैंने लग दी है देखो अब वॉट इज पेरीमीटर व्हाट इज एरिया ये मैं आपको बताऊंगी पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंडल शेप पैरिमीटर क्या होता है तो कुछ बच्चे को पहले से पता होगा कि क्या क्या होता है आप सभी को एकदम से कंसेप्ट क्लियर हो भी गया होगा तो एक ही चीज को जब आप लोग दो से तीन बार पढ़ लेते हो ना तो वो चीज इतनी अच्छे से समझ में आ जाती है कि कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको आराम से बता पाओगे ठीक है ना यस आज स्पेशल क्लास में क्या टॉपिक है बेटा आज स्पेशल क्लास में होना है पेरीमीटर एंड एरिया के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो पेरीमीटर क्या होता है एक डिस्टेंस होता है अराउंड अ टू डायमेंशनल शेप जैसे मान लो ये हमने कोई एक फिगर बना दिया है ऐसा ऐसा कुछ करके ऐसा ऐसा ये आपको फिगर बना हुआ है तो आप इसके डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप इसके यहां से किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो चलना यहां से ऐसे जाओगे फिर, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जो भी उसकी डिस्टेंस होगी तो टोटल डिस्टेंस अराउंड अ टू डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड अ पेरीमीटर और पेरीमीटर के लिए हम क्या करते हैं पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए एट द साइड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन उसकी सारी को ऐड करते हुए चले जाओ और आपको मिल जाएगा उसका कितना आया ठीक है हेलो 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 बेटा बबीता आज तो नहीं बेटा कोई इशू नहीं है ठीक है पढ़ाई करो बहुत अच्छी है क्या करोगे पढ़ाई करे के है ना क्या करोगे ऐसे घर पे बैठ करके तो पढ़ाई करो सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आ जाएंगी मेंटी मैंने आज इसीलिए नहीं रखा है कि आज कुछ बच्चे हो सकता है कि एंजॉय कर रहे हो इसलिए मैंने मेंटी नहीं रखा है तो घर पे बैठ के करना क्या है घर पे ही तो बैठ के आपको पढ़ाई करना है कौन सा कहीं ट्यूशन जाना है या फिर स्कूल जाना है घर पे बैठ के क्लासेस तो कर ही सकते हो ना सभी लोग क्या करोगे छुट्टी लेकर के है ना तो रेडी हो ना सभी चलो स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर समझ में आ गया पेरीमीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एट द साइड लेंथ टू फाइंड द दीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन गॉट इट एरिया कैसे निकालते हैं जो एरिया होती है कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अकुपाइड बाय द फ्लैट शेप ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो एरिया क्या होती है जैसे ये देखो गार्डन है तो गार्डन की जो साइड साइड में ये लगी हुई है ये हो गया इसका पेरीमीटर है ना ये क्या हो गया ये हो गया इसका पेरीमीटर साइड साइड की लेंथ हमें मेजर कर लेनी है वो हो जाएगा उसका पेरीमीटर और जहां पे ग्रासेस होती हैं गार्डन में अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा ये पूरा आपका हो जाएगा एरिया तो एरिया क्या होता है जो स्पेस ऑक्युपाई होता है उसके थ्रू वो होता है एरिया और पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर एक डिस्टेंस होती है अराउंड टू समझ में आया तो पेरीमीटर क्या होती है समझ में आ गया और एरिया क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा आप सभी को ओके क्लियर हो गया अच्छे से चलो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ जैसे सपोज कर लो ये जो एक है स्क्वायर शेप का दिख रहा है या फिर रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है चलो मैंने इसको मान लिया कि ये जो गार्डन है ये है रेक्टेंगल शेप का अब ये आपको मैंने रेक्टेंगल शेप का दे दिया आपको फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर और और इसका इसका एरिया एरिया तो पेरीमीटर पेरीमीटर कैसे फाइंड फाइंड आउट करोगे चलो द ऑफ द फॉलोइंग फिगर ये एक फिगर है आपको इसका पेरीमीटर बताना है क्या होगा इसका पेरीमीटर जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ चलो फटाफट -फट्ट से सभी लोग कमेंट करो कि इसका पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर के लिए हमने क्या बताया एक डिस्टेंस होती है अराउंड टू शेप वो आपको फाइंड आउट कर लेनी है चलो तो आंसर करो ओके वेरी गुड बेटा वेरी गुड करेक्ट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेल well डन बेटा तो इसका आंसर हो जाएगा 15. 15 25. 25 कितना थर्टी तो ये हो गया थर्टी फिट आपका आंसर करेक्ट अगर हमने इसी का एरिया पूछा होता तो इसका एरिया क्या होगा इस वाले का एरिया क्या होगा बेटा इसका एरिया बताओ जल्दी से सभी एरिया बताइए अब जल्दी से सभी लोग एरिया अगर हमने यहाँ पे सेंटीमीटर सपोज रख दिया या फिर फिट में ही रख दिया तो एरिया क्या आ जाएगा बताओ करेक्ट करेक्ट तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू द टेन इंटू फाइव एंड इज इक्वल फिटीमी स्क्वायर अगर अब फिट रखे होते हैं तो पहचाना अगर अलग आईडी से आओगे तो मैं कैसे पहचानूंगी तो अपना आप जल्दी से रियल नेम बता दो क्या है अलग ID से आओगे तो मैं कैसे पहचानूंगी नेक्स्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग आपको ये डायग्राम दिया हुआ है पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन तो आप पहले वाले का एरिया बताओ कि इसका एरिया क्या होगा फटाफट पट से इसका एरिया बताइए सभी लोग कि इसका एरिया क्या होगा कनिष्का ओके बेटा कनिष्का गुड इवनिंग हाँ ठीक है बेटा आपको याद रखूंगी इसका एरिया वेल्डन प्राप्ति वेल्डन 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 वेल प्राप्ति करेक्ट ओके तो सारिका के भी आंसर करेक्ट आए हैं शिवांश के भी आंसर करेक्ट हैं ओके okay. सभी के आंसर करेक्ट आ रहे हैं बेटा पूर्णांग नंदन आपके आंसर इलेवन आ रहे हैं कैसे इलेवन पॉसिबल है नो 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 लेट नहीं हूं आप लेट नहीं हो कोई बात नहीं चलो अभी स्टार्ट हुआ क्लास है ना यस yes, इसका आंसर होगा नाइन कैसे नाइन आएगा देखो इस वाले की लेंथ आपको वन दी गई है और आपको इस पूरे का चाहिए लेंथ तो इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी वन प्लस वन प्लस वन मीन्स पूरे की लेंथ हो गई बेटा थ्री पूरे की लेंथ कितनी हो गई थ्री सेंटीमीटर उसी तरह से यहाँ पे भी हम पूरे की लेंथ निकालेंगे तो ये पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी वन सेंटीमीटर इतना है ये हो गया टू सेंटीमीटर ये हो गया थ्री सेंटीमीटर तो पूरे की लेंथ हो जाएगी थ्री सेंटीमीटर आपको मिल गई लेंथ और ब्रेथ दोनों तो कर लेते हैं एरिया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इज टू द दाइन सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अच्छा आपको एक ब्लॉक लगा हाँ एक ब्लॉक अगर लगा है तो आपका वन आंसर होता जैसे कि हमने दिया होता सिर्फ एक छोटा सा ब्लॉक और यहाँ पे वन लिखा होता सेंटीमीटर और ये भी लिखा होता सेंटीमीटर तो आप इसका एरिया अगर फाइंड आउट करते तो इसका एरिया हो जाता वन इंटू वन विच इज इक्वल टू द वन सेंटीमीटर स्क्वायर ओके तो इसका एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा पर मैंने आपको इसका एरिया बोला था बेटा तो इसका एरिया हो जाएगा नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बी वाले का आप सभी लोग बताइए बी वाले का कितना हो जाएगा अब तो सभी के आंसर करेक्ट आने चाहिए बेटा बी वाले के बताओ कि बी वाले का क्या होगा ओके okay, तो बी वाले का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर वेल डन बी वाले का 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे ये वन है तो पूरे को हम काउंट करेंगे वन प्लस वन टू टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस वन फोर ये भी हो गया फोर और ये पूरा भी हो गया फोर तो इसका एरिया हो जाएगा फोर इंटू फोर इज इक्वल टू द सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमने यहां से एक ब्लॉक हटा दिया सपोज आपको सिर्फ इतने का एरिया फाइंड आउट करना है ओके मैं एक ब्लॉक और बनाती हूं देखो बेटा सभी लोग ठीक है मी ड्रॉ ओके इसकी लेंथ है ये वन सेंटीमीटर सेम यहां पे भी ओके वन सेंटीमीटर की जगह मैं कर देती हूँ टू सेंटीमीटर चलो अब बताओ यहां पे भी टू सेंटीमीटर है तो इस वाले का एरिया क्या आएगा ये सभी लोग जल्दी से बताओ इस वाले के लिए एरिया क्या आएगा जल्दी से बताइए सभी लोग ओके यस यस जल्दी से बताओ इसका एरिया क्या होगा अच्छे से बताओ इसका एरिया क्या आएगा बेटा सभी की लेंथ मैंने टू बोला है टू इसकी भी है टू इसकी भी है टू इसकी भी है जल्दी से बताओ किस बेसिस पे निकाल रहे हो आप लोग किस बेसिस पे बताओ देखो टू टू फोर फोर और टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा यहाँ पे भी देखो टू टू फोर और फोर और टू सिक्स तो सिक्स हो गया ना ये कैसे कुछ भी डायग्राम फिर से देखो मैंने डायग्राम को चेंज कर दिया है डायग्राम एक बार फिर से देख लो डायग्राम को मैंने चेंज किया है डायग्राम को फिर से देखो सभी लोग फिर से देखो यस अब करेक्ट आंसर आना स्टार्ट होगा करेक्ट 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 अभी आंसर आ रहे हैं सभी के यस yes, तो अभी करेक्ट आंसर आया बेटा थर्टी सिक्स होगा टू प्लस टू हो जाएगा सिक्स तो ये हो गया सिक्स सेंटीमीटर और ये वाला भी कितना हो जाएगा तो ये वाला भी हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स विच इज इक्वल टू दर्टी सिक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ओके तो आई थिंक एरिया निकालना आपको समझ में आ गया होगा चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन तो रेगुलर पॉलीगन का आपको पेरीमीटर बताना है तो उसकी साइड को पूछा होता कि इस वाले पेंटागन रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या होगा अगर इसकी सारी साइट फाइव सेंटीमीटर हो तो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर क्या होगा अगर इसकी सारी साइड्स फाइव सेंटीमीटर हो तो आप कैसे इसको निकालोगे रेगुलर पेंटागन के पास नंबर ऑफ साइट कितनी हो जाएंगी फाइव हो जाएगी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड ये भी क्या 5 हो जाएगी फाइव हो जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा इज टू सेंटीमीटर कितना हो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके करेक्ट समझ में आया आपको एक और क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर बताओ एक और क्वेश्चन देते हैं इसका आंसर आप लोग बताओ ये yes, बेटा ट्वेंटी क्या हो जाएगा

जितनी भी साइड्स हैं तीनों साइड्स को जोड़ दो तो वो हो जाएगा उसका पेरीमीटर तो पेरीमीटर में हमको कुछ भी नहीं करना होता है जो भी आपको दिख रहा है सामने उन सभी को ऐड करते हुए चले जाओ और आप उसका पेरीमीटर आराम से निकाल लोगे सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है टू इंटू पाए इंटू आर वॉट इज द वैल्यू ऑफ पाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बताओ जल्दी से सभी लोग पाई की वैल्यू क्या होती है रोमबस का कैसे निकालते हैं तो जो स्क्वायर का होता है अगर इसकी सारी साइड्स इक्वल है तो इसका भी पैरामीटर क्या हो जाएगा फोर इंटू ए हो जाएगा वॉट इज द वैल्यू ऑफ पाई बेटा पाई की मैं वैल्यू पूछ रही हूँ आर तो रेडियस है इज रेडियस यस करेक्ट आर रेडियस है वैल्यू ऑफ द पाई हो जाएगा ओके okay, ठीक है बेटा तो पाई की वैल्यू हो जाती है थ्री पॉइंट वन फोर करेक्ट सारीखा करेक्ट नंदन करेक्ट ट्वेंटी टू बाई सेवन करेक्ट प्राप्ति करेक्ट ट्वेंटी टू बाई सेवन भी होता है

यस yes, यस yes, मैंने देख लिया कि अगर होगा तो मैं बता दूंगी है ना मैंने बोल भी दिया आपके कहने पे अब एरिया देख लो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड क्या होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है जिस तरह से रेक्टेंगल में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर की सभी लेंथ इक्वल होती है तो हमने साइड इंटू साइड कर दिया ट्राइंगल का क्या होता है वन अपॉन में टू इंटू बेस इंटू हाइट ये होता है ट्राइंगल का ठीक है ट्राइंगल का क्या होता है बेस हाइट ओके हैोग्राम का क्या होता है बेटा पैरलोग्राम क्या होता है एरिया इज इक्वल टू द बेस इंटू हाइट ट्रेपोजॉइट का एरिया क्या होता है मीन ट्रेपेजियम का तो ट्रेपेजियम का एरिया जरूर से याद रखना बाकी सबका एरिया तो आप लोगों को याद रहता है कुछ लोगों को पैरलोग्राम का एरिया नहीं याद रहता है तो इसके मैंने स्पेशल क्लास में इतने ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं कि अब आप लोगों को पैरलोग्राम का एरिया जरूर से याद रहेगा और पैरलोग्राम का एरिया क्या होता है तो ये होता है बेस इंटू हाइट जरूर से याद रखना ट्राइंगल का होता है में और का होता है base into height. इन दोनों में confusion मत रखना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है वन बाय टू देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम बना है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे वन में टू इंटू हाइट कर लो फिर मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी पैरलर साइड है ये दोनों इन दोनों का आप समेशन कर लो ट्रेपेजियम का एरिया Got it? तो ये क्या हो जाता है ट्रेपेजियम का एरिया yes बेटा ठीक है जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हो नो प्रॉब्लम ठीक है आपके जो क्वेश्चन हो आप मुझे सेंड कर देना जब मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगी एक्चुअली ऐसा मत समझना कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ या फिर कुछ भी आजकल पीपीटी बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि मैराथन क्लासेस मुझे दो दो लेनी है सैटरडे को तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको जरूर सोल्व करके भेज दूंगी अगर नहीं मिलता है तो जब भी टाइम मिलेगा आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का सोल्यूशन ओके okay? चलो तो रोम्बस का एरिया क्या होता है वॉट इज द एरिया ऑफ रोम्बस रोम्बस का एरिया होता है वन अपॉन मे टू इंटू डायगोनल ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल ऑफ द सेकेंड तो ये होता है रोमबस का एरिया नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल समझ लो कैसे निकाला जाता है उसके बाद फिर क्वेश्चन आएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ये रेक्टेंगल का हो जाता है हाफ जैसे कि मान लो ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में से आप इसको हाफ कर दो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट होता है जैसे कि अगर हमने इसको लेंथ को बी मान लिया और इसको एच मान लिया तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बी इंटू एच और अगर हमने इसको बी से डिवाइड कर लिया तो ये बन गया ट्राइंगल तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया हाफ टाइम्स ऑफ बी इंटू एच इस तरह से निकलता है कुछ ट्राइंगल का एरिया गॉट इट तो इस तरह से निकल के आता है ट्राइंगल का एरिया ओके नो बेटा आर्यन देयर इज नो मेंटी देयर इज नो मेंटी आज हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं आज रिविजन सेशन है मेंटी आज के में नहीं है ठीक है चलो तो बताओ इसका आंसर फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको ट्राइंगल दिया है जिसकी लेंथ और बेस दोनों गिवन है बताओ बताओ हाइट और बेस दिया हुआ है आपको फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर और एरिया तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से सभी लोग व्हाट इज द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बताओ सभी लोग जल्दी जल्दी बताओ सिक्स इज एरिया करेक्ट सिक्स एरिया है ओके सिक्स इज एरिया करेक्ट ट्वेल्व इज अ पेरीमीटर वेल डन वेल डन वेल डन पेरिमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पेरिमीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ पेरिमीटर निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया कि आपका पेरिमीटर 12 आया क्या करना पड़ा वेल डन बेटा प्राप्ति वेल डन नंदन वेल डन करेक्ट आंसर है आप सभी के वेल डन ओके वेरी गुड वेरी गुड तो आपने क्या किया हाइपोटेन्यूस निकाला बेटा सिंपल सा बोलो कि हमने क्या किया पाइथागोरसम का यूज किया और पायथागोरसोरम का यूज करके इसका hypotenuse निकाल दिया. तो कैसे निकालेंगे इसका hypotenuse? का का करके, तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर सिक्सटीन और प्लस नाइन रूट में ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल टू दाइव तो इसकी वैल्यू कितनी आ गईन्यूस की ये हो गई फाइव सेंटीमीटर तो आपको पेरीमीटर निकालना है जितनी भी साइड दिख रहे हैं उन सभी को कर दो एड फोर प्लस फाइव हो गया नाइन नाइन प्लस थ्री हो गया कितना 12. तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर और एरिया कैसे निकालते हो वन टू इन टू हाइट वॉट इज द बेस बेस इज थ्री वॉट इज द हाइट हाइट इज फोर कैंसिल कर लो टू टू क्या बच गया थ्री इंटू टू बच गया तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्स मीटर स्क्वायर मीटर है आई थिंक सेंटीमीटर ओके ये सेंटीमीटर तो सिक्स हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ये करेक्ट था सभी का बेटा आंसर करेक्ट आया है है चलो ठीक तो आई होप समझ में आ गया अगर आपको कभी भी हैंगल का एरिया निकालना होगा और उसके साथ साथ राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और आपसे पेरीमीटर पूछ लिया तो आप आराम से हाइपोटेन्यूस निकालो और हाइपोटेन्यूस निकाल करके आपको क्या करना होगा फाइंड आउट कर लेना होगा उसका पेरीमीटर भी ठीक है चलो एक क्वेश्चन और बताओ जरा सा इसमें अगर आपको यहाँ पे ये ट्राइंगल कुछ ऐसा गिवन होता और आपको इसका हाइपोटे फाइव दिया होता और बेस दिया होता थ्री तो आपसे एरिया पूछा होता तो आप एरिया कैसे निकालोगे तो आपसे एरिया पूछा होगा तो आप एरिया कैसे निकालोगे क्योंकि आपको हाइट तो गिवन नहीं है तो कैसे फाइंड आउट करोगे सेम वही काम यहाँ पे भी कर लेना आप ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप लोग इसकी हाइट को निकाल देना तो इसकी हाइट आ जाएगी फोर और जैसे ही इसकी हाइट आपको पता चल जाएगी तो आपको बेस पता चल गया हाइट पता चल गया आराम से आप सॉल्व कर लेना आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है गुड बेटा प्राप्ति गुड नेक्स्ट देखो अब हम लोग आ चुके हैं एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया पेरीमीटर एंड एरिया का आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं सर्कल वाला वेट कर लो सर्कल वाला क्वेश्चन भी इसमें का करा दे फिर आपको ले चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे तो सर्कल के क्वेश्चन के लिए ये है कि यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया गया है ओके okay, यहाँ पे आपको एक सर्कल हमने बना दिया देखो और इसकी हमने रेडियस आपको दे दी सेवन सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस है सेवन सेंटीमीटर आपको फाइंड आउट करना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल एरिया एंड पेरीमीटर इसका क्या आएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ फिर हम लोग आ जाए नेक्स्ट पे है ना तो इसका एरिया और पेरीमीटर क्या आएगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया आप लोगों को कि नहीं एरिया आप निकालोगे बेटा पाई इंटू आर स्कू आर स्कूला यूज करो एरिया के लिए और टू पाई आर फॉर्मूला यूज कर लो इसके पेरीमीटर के लिए तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट पे बताओ कि व्हाट इज द एरिया एरिया कितना आ रहा है ये बताओ और फिर पेरीमीटर कितना आ रहा है ये भी बताओ है ना जल्दी से बताओ देखते हैं किसका आंसर फास्ट आएगा करेक्ट 154. Well done, well done. 154. Very good. Okay. तो फाइंड आउट कर लेते हैं देखते हैं बेटा ये एरिया है या फिर पेरीमीटर आपने किसका आंसर किया है 154 एरिया का है कि पेरीमीटर का है बताओ एक बार मुझे ये भी वैसे आई थिंक इट इज अ एरिया है ना 44 उसका पेरीमीटर होगा और एरिया क्या होगा एरिया हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा यूनिट जरूर लिखा करो यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं जब एरिया को आप लोग लिखोगे तो आगे लगा दिया करो सेंटीमीटर स्क्वायर और जब पेरीमीटर लिखोगे तो नॉर्मल सा सेंटीमीटर लगा दोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व वेरी गुड यस तो 154 इसका एरिया आ रहा है और पेरीमीटर आ रहा है 44 सेंटीमीटर कैसे सॉल्व किया पाई की वैल्यू होती है 22 टू बाई सेवन आर की वैल्यू आपको गिवन है सेवन तो सेवन इंटू सेवन हमने क्या फॉर्मूला बताया पाई इंटू आर का स्क्वायर पाई की वैल्यू स्क्वायर आपका आ गया एरिया पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू पाई इंटू आर विच इज इक्वल टू टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाइड बाई आर विच इज इक्व सेवन Which is to the 7. तो 7 से सेवन को कट कर लो टू इंटू ट्वेंटी आपका कितना आ जाएगा? 22, okay? yes, समझ में आया सभी को एक क्वेश्चन के आंसर और बताओ फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ एक क्वेश्चन का आंसर मुझे और चाहिए अगर आपको ये वाला देखो कुछ डायग्राम गिवेन है ऐसा और यहाँ पे आपको ये जो है ना डायमीटर ये आपको समथिंग गिवेन है फोर्टीन क्या गिवेन है ये ये आपको गिवन है फोर्टीन सेंटीमीटर का ये आपको पूरा डायमीटर गिवन है अब आपको निकालना है इस पूरे डायग्राम सभी लोग फटाफट से कमेंट करो और सभी लोग जल्दी से बताओ कि इस वाले डायग्राम का पेरीमीटर क्या होना चाहिए देखते किसके आंसर एकदम करेक्ट आते हैं जो मुझे चाहिए ही चाहिए है ना जो मुझे फाइंड आउट करना है उसका आंसर क्या आ रहा है बताओ हाँ सीएससी बुक बेटा मैं आईसीएससी बुक से आपको क्वेश्चन करवा दूंगी स्पेशल क्लास में आप आजाना सेवन थर्टी वाली क्लास पे तो सेवन थर्टी वाली क्लास पे आप आना आपको मैं आईसीएससी क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो टफ से टफ क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाली हूँ स्पेशल क्लास में तो उसको जरूर से अटेंड कर लेना सेवन थर्टी पे चलो अभी इसका आंसर बताओ कि इसका पेरीमीटर क्या होगा फास्ट फास्ट बताओ फास्ट वेल डन सारिका वेल डन ये कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा निखिल ऑप्शन नहीं है मैंने इस डायग्राम के लिए पूछा है अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर आंसर किया है 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 तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल है. आपको है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आपका ऑप्शन डी सही है ना आपका ऑप्शन डी करेक्ट है एकदम करेक्ट है इस वाले डायग्राम के लिए अभी आपको इस डायग्राम का बताना है बेटा ओके okay, निखिल आपको इस डायग्राम का बताना है कि इसका क्या आएगा वेरी गुड नंदन वेरी गुड सारिका करेक्ट करेक्ट करेक्ट, करेक्ट. एकदम आप लोग आंसर निकाल चुके हो कि कैसे इसका पेरीमीटर आपको निकालना है तो सर्कल का पेरीमीटर होता है टू पाएर यहाँ पे है सेमी सर्कल सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा पा आर ठीक है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो गया पाई इंटू आर और हमें इस पूरे डायग्राम का पेरीमीटर निकालना है तो हमें ये वाली लेंथ को भी क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा जो कि है फोर्टीन तो पाईन टू आर ट्वेंटी टू बाय सेवन

आंसर करेक्ट 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 बेटा लक्ष्मीकांत करेक्ट नंदन करेक्ट प्राप्ति करेक्ट बींग गेमर, अच्छा आप भी आ बेटा इसका आंसर थर्टी सिक्स होगा थर्टी सिक्स करेक्ट होगा आपको क्या करना है ये वाली लाइन को भी ऐड करना होगा इसको भी आपको ऐड करना होगा तब जाकर के आपका टोटल पेरीमीटर निकल जाएगा हेलो बेटा गौरव हेलो चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है वॉट आर द वेरिएबल्स एंड टर्म्स ये चैप्टर कौन सा है तो ये चैप्टर हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में आपको सबसे पहले सीखना है वेरिएबल क्या होता है टर्म्स क्या होते हैं फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे तो वेरिएबल क्या होता है वेरिएबल इज एन अनोन नंबर विच हैव अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इट्स इज कॉल्ड अ वेरिएबल एज इट कैन वेरी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट लेटर्स लाइक एक्स वाई ए बी सी डी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं आप वेरिएबल कौन से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वेरिएबल क्या होता है? एक होता है है एक अननोन नंबर जिसकी वैल्यू नहीं होती है वो हमेशा वेरी करती चली जाती है जैसे कि आप ले लो टू इंटू एक्स टू इंटू एक्स ले लिया अब आपकी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओगे तो पूरी टू एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी टू एक्स क्या है एक वेरिएबल हो जाएगा Got it? Got my point. अगर आप थ्री रखते, तो रखते, तो तो रखते हो तो इसकी वैल्यू सिक्स आ जाएगी तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओ और आपका <coughs> which, ओके okay, थोड़ा सा नॉइस है है वेट 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 ठीक तो जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आपको की भी वैल्यू चेंज मिलती जाएगी तो आप इसको क्या कह दोगे ये हो गया वेरिएबल तो क्या समझ में आया ये क्या हो गया ये हो जाएगा वेरिएबल ठीक है तो वेरिएबल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट इज अ टर्म अ टर्म कैन बी अ नंबर अ वेरिएबल अ कांस्टेंट और अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल मैंने आपको स्पेशल क्लास में ये इतने ज्यादा अच्छे से समझाया है कि टर्म्स क्या होते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं तो टर्म्स में तो अब आपको कंफ्यूजन कभी रहेगी ही नहीं अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आज का ये वाला वीडियो देख लो इसके बाद फिर नहीं रहेगी कंफ्यूजन उसके बाद भी बच जाती है कुछ तो जाकर के स्पेशल क्लास वाली जरूर से देख लेना क्लास को आपको टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे क्योंकि मैंने इतने ज्यादा एग्जाम्पल वहां पे करवा दिए है आप लोगों को टर्म्स से रिलेटेड कि आप टर्म भूल ही नहीं सकते हो आप तो टर्म्स क्या होता है एक नंबर होता है

ये कितने टर्म्स हैं इसके पास वेरिएबल नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूँ इसके पास कितने टर्म्स हैं नो 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 मैं फैक्टर नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूं टर्म्स no, 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 no. मैं मैं तो मैंने आपको स्पेशल क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि जब तक आपको ढेर सारे नंबर्स के बीच में या फिर ढेर सारे जैसे कि मल्टीप्लीकेशन के बीच में कभी भी प्लस का साइन

अगर उसके बीच में ना तो कोई एडिशन का साइन है ना ही कोई का साइन है, तो आप उस पूरे को एक ही टर्म कंसिडर करोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे okay, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए क्यूब बी की पावर फोर जेड की पावर सिक्स इसके पास कितने टर्म्स हैं? इसके पास कितने टर्म्स हैं मेंटी uh, नहीं शुरू की बेटा लक्ष आज की क्लास में कोई मेंटी नहीं है मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि आज की क्लास में कोई मेंटी नहीं हो रही है बेटा ओके okay? इसके पास कितने टर्म्स हैं यस yes, तो इसके पास भी हो जाएंगे बेटा वन टर्म्स इसके पास भी हो जाएंगे वन टर्म क्यों वन टर्म क्योंकि इन पूरे के बीच में कोई भी एडिशन या फिर कोई भी सप्ट्रेक्शन का साइन नहीं लगा है कोई भी एडिशन या कोई भी सप्रैक्शन का साइन नहीं लगा है तो इसके पास कितने टर्म्स हो जाएंगे ओनली वन टर्म्स हो जाएंगे गॉट इट क्लियर हो रहा है ना यस yes. अगर हमने यहीं पे मान लो एडिशन का साइन लगा दिया होता फोर प्लस जेड की पावर सिक्स तो बताओ इसके पास कितने टर्म्स हो जाएंगे सी की पावर सिक्स अब बताओ इसके पास कितने टर्म्स हो गए हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन या फिर इन दिस एक्सप्रेशन एडिशन एडिशन एंड बेटा ओनली और subtraction आपको यूज करना है कितने हो गए तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स होंगे बेटा सेवन नहीं सिक्स होंगे ये सारीखा करेक्ट करेक्ट सारी सारीखा करेक्ट प्राप्ति इसके पास हो जाएंगे सिक्स टर्म्स है ना क्योंकि सारे टर्म्स देखो ये अलग अलग टर्म्स हो गया ये वन हो गया ये हो गया टू ये हो गया थ्री ये हो गया फोर ये हो गया फाइव ये हो गया सिक्स तो इसके पास हो गए टोटल सिक्स टर्म्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्म्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं तो वेरिएबल से मिलकर के बनता है टर्म्स वेरिएबल से ही मिलकर के बनता है टर्म्स जैसे कि टू एक्स वाई है तो इसमें दो दो वेरिएबल है ना वेरिएबल को हमने मिला दिया तो वेरिएबल से मिलकर के बन रहा है टर्म्स अब टर्म्स को हम मिलाएंगे तो क्या बनता है तो टर्म्स को मिला देने से बन जाता है एल एक्सप्रेशन अब बच्चे समझो एलजेब्रिक इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल सप्रैक्शन कह लो एडिशन एंड है addition and subtraction. तो अगर आप इसको मिला देते हो तो इससे क्या बन जाता है टर्म्स के बीच में आप एडिशन लगाते जाओ तो वो बन जाते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे अभी हमने आपको बताया था ये फाइव एक्स प्लस सेवन क्या है फाइव एक्स प्लस सेवन एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है क्यों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि दो टर्म्स के बीच में हमने लगा दिया एडिशन का साइन तो ये हो गया एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ओके क्रिस्टल क्लियर हो गया ओके okay, तो चलो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है ठीक है तो एक्सप्रेशन क्या हो गया एक्सप्रेशन के बीच में हमने लगा दिया अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा है फोर एक्स वाई फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस सिक्स तो ये क्या है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पूरा क्या है बेटा ये पूरा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर के बन रहा है बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर के बनता है बताओ 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 क्लियर हो गया तो बताओ फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर के बन रहा है बेटा अगर सीधी सीधी बात में आपसे पूछा जाए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर के बनता है तो आप क्या बताओगे फिर टर्म्स से यस आई थिंक थोड़ा सा लैग हुआ था ना थोड़ा सा लैग हुआ था क्या यस yes, चलो कोई नहीं थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आया होगा तो ये मिलकर के बनता है बेटा टर्म्स से देखो वन टर्म हो गया ये सेकेंड टर्म हो गया ये हो गया थर्ड टर्म term. तो टर्म्स को मिलाते जाएंगे और इससे मिलकर के बनते चले जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट तो टर्म्स बनते जाएंगे और टर्म्स से मिलकर बन जाएंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एल्जब्रिक एक्सप्रेशन ये भी हो सकता है बेटा जैसे कि इज किस टू अंडर रूट टू लिखा है तो अंडर रूट टू भी एलजबरिक एक्सप्रेशन होगा अंडर रूट टू भी एलजब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्योंकि इक्वालिटी का साइन लगा है उसके बाद ये लिखा है तो हमने ये नहीं बोला ना कि एल्जब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो नंबर नहीं हो सकता नंबर भी हो सकता है जैसे यहाँ पे देखो सिक्स ये सिक्स भी क्या है एक टर्म्स है और टर्म्स में मिल करके बने हैं तो अगर ये अलग सा लिखा होगा तो हम इसको नंबर एलजब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल देंगे यस यस ओके तो देखो यहाँ पे टू अलग सा लिखा हुआ था तो ये टर्म्स तो होंगे ही होगा साथ ही साथ एक्सप्रेशन भी इस बोलेंगे जितने कुछ फैक्टर्स थे अभी आपने देखा कि कुछ न्यूमेरिकल्स थे कुछ एल्जेब्रिक थे दैट इज वो कंटेन कर रहे थे वेरिएबल्स एंड ऑल तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी भी टर्म्स का कॉल्ड न्यूमेरिकल ऑफ टर्म ओके तो जो न्यूमेरिकल कोफिश होता है वो क्या कंटेन करता है वो कंटेन तो वो क्या हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल फाइव इंटू एक्स स्क्वायर भी आप बताओ कि एक्स स्क्वायर नंबर लिखा है वो क्या है बेटा फाइव है फाइव हो जाएगा, 5 हो जाएगा. अगर हमने पूछा होता फोर एक्स में एक्स का कोफिशियंट क्या है तो एक्स के आगे क्या नंबर लिखा है एक्स के आगे क्या नंबर लिखा है बेटा बताओ X के आगे क्या नंबर लिखा है तो वो हो जाएगा उसका कोफिशियंट है ना यस yes, तो इसमें एक्स का कोफिशियंट हो गया फोर करेक्ट प्राप्ति बेटा तो इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या हो गया इसमें एक्स का कोफिशियंट हो गया फोर उसी तरह से और भी चीजें होती हैं तो जो भी नंबर आगे लिखा रहता है वो हो जाता है उसका कोफिशियंट अब आप एक एग्जाम्पल देखो थ्री एक्स वाई में अगर हम पूछें कि x का कोफिशियंट क्या होगा वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ x इन थ्री एक्स वाई तो बताओ देखते हैं कौन सा ही आंसर देता है वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ x इन थ्री एक्स वाई चलिए बताइए नो no, फंस गया ना यहाँ पे आके फंस गए यहाँ पे आके ये सारीखा आपका करेक्ट है प्राप्ति फंस गया थोड़ा सा अभी करेक्ट है प्राप्ति आपका भी ठीक है अभी करेक्ट है ओके okay, अभी करेक्ट है लक्ष्मीकांत आप भी थोड़ा सा फंस गए करेक्ट करो अपना आंसर थ्री वाई होगा ओके okay, तो इसका आंसर होगा थ्री वाई जिसका भी कॉफिशियंट पूछा जाएगा आप उस वाले को क्या करोगे उस वाले को हटा दोगे बाकी की जो चीजें लिखी हैं वो हो जाएगा आपका आंसर मींस थ्री इंटू वाई ये हो जाएगा एक्स का कोफिशियंट एक और मैं आपको फंसाने की कोशिश करती हूँ देखते हैं क्या आप लोग आंसर कर पाते हो चलो तो देखते हैं कि आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस टू वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सप्रेशन नो 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 नहीं फंसोगे आप लोग को फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सप्रेशन बताओ अब व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन बताओ देखते हैं कितना फंसते हो कि नहीं No, 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 no. कोफिशियंट no. मैंने पूछा है एक्स का कोफिशियंट वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ यस सारिका आप स्पेशल क्लास देख के आये हो मुझे समझ में आ गया आपने स्पेशल क्लास देखी थी तभी आप इतना फास्ट आंसर कर पा रहे हो राइट आए राइट सारिका बेटा इसका आंसर होगा जीरो आपको इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी एक्स नहीं देखने को मिल रहा है ये है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से आप एक्स का कोफिशियंट नहीं निकाल सकते पॉसिबल नहीं है कोफिशियंट क्या होता है जो उसके आगे का नंबर लिखा होता है जो उसके आगे का टर्म्स लिखा होता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर को आप एक्स की तरह कंज्यूम नहीं कर सकते हो एंज्यूम नहीं कर पाओगे तो यहां से हमको कोई भी एक्स वाला चीज दिख ही नहीं रहा है तो आप कह दोगे की एक्स का जो कोफिशियंट है वो है जीरो जीरो इंटू एक्स मल्टीप्लाई में लिखा होगा तो हमने एक्स कापिशन क्या मान लिया जीरो मान लिया ठीक है यस yes, ना हाँ okay, तो क्या समझ में आ गया अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में एक्स या वाई देखने को नहीं मिले फिर भी आपसे उसका कॉपिशन पूछा जाए तो आप क्या कह दोगे जीरो कह दोगे क्या कह दोगे जीरो कह दोगे जैसे कि फाइव ए का स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस वन लिखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें b का कोफिशियंट क्या होगा वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ b इन दिस एक्सप्रेशन तो कौन बताना चाहेगा आई थिंक सभी करेक्ट दोगे सभी लोगों के करेक्ट आंसर आ जाएंगे अब बेटा आज यहाँ पे कोई भी मेंटी नहीं है रितिका गोयल रितिका बेटा आज कोई भी मेंटी नहीं है देर इज नो मेंटी आज हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं ठीक है आज हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं देर इज नो मेंटी यस करेक्ट प्राप्ति बेटा फिर से फिर से गलत हुआ फिर से प्राप्ति आपका थोड़ा सा और ध्यान दो यस अभी करेक्ट हुआ ठीक है तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको कोई भी बी नहीं दिख रहा है आपको बी स्क्वायर दिख रहा है बेटा तो बी स्क्वायर को हम बी की तरह नहीं एज्यूम करेंगे और आपका आंसर आएगा कि बी का कोफिशियंट है जीरो बी का कोफिशियंट क्या हो जाएगा बी का कोफिशियंट हो जाएगा जीरो आपका आंसर करेक्ट समझ में आ गया सभी को ना यस वेल डन बेटा तो देखो यहाँ पे ए भी लिखा है आपसे ए का कोफिशियंट पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वन बी स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में थ्री ठीक है वन मोर वन मोर ओके एक और दे दें आपको ठीक है ले लो एक और कर लो चलो देखते हैं अब तो आपको आंसर पता ही रहेगा फिर है ना चलो मैं और थोड़ा सा ट्विस्ट करके देती हूँ ओके okay. टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर इसमें आपको बताना है वाई का कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ वाई बताओ वाई y काफिशियंट इसमें क्या होगा वाई का कोफिशियंट क्या होगा चलिए बताइए आप सभी की डिमांड पे एक क्वेश्चन और प्रेजेंट है वाई का कोफिशियंट क्या होगा वेल्डन well सारी का वेल्डन well करेक्ट करेक्ट टू एक्सर वेरी गुड वेरी गुड तो y के आगे क्या नंबर लिखा है टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो y का हो गया ओके okay? और अगर हमने इसके आगे माइनस लगाया होता तो तो ये हो जाता माइनस टू एक्स डन चलो तो आते हैं हम लोग फैक्टर पे फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे लाइक्स एंड अनलाइक टर्म्स पढ़ेंगे थोड़ा तो सा अभी चैप्टर्स और बचा हुआ है तो पढ़ लेते हैं इसको फैक्टर ऑफ अ टर्म क्या होता है व्हाट इज अ फैक्टर ऑफ अ टर्म एवरी टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर जितने भी टर्म्स अभी तक आप लोग देख रहे थे जैसे आपने देखा था 4 into XY, ये आपने एक टर्म ही तो देखा था तो टर्म्स किससे मिलके बने हैं फैक्टर से मतलब कि जितने इसमें चीजें लगी हुई हैं उसको आप एकदम अलग अलग कर दोगे तो वो हो जाएगा इसका फैक्टर क्या है इसमें फैक्टर इसके फैक्टर हो जाएंगे फोर एक्स और वाई तो फोर एक्स वाई जिससे जिससे मिलके बना है उसको आप लोग अलग कर लो तो वही हो जाएगा उसका फैक्टर गॉट इट वही हो जाता है उसका फैक्टर जिससे ये मिलकर के बना होता है जैसे यहाँ पे एक टर्म देखो 2 into x लिखा है तो 2x के पास फैक्टर कितने होंगे बताओ 2x के पास फैक्टर कितने होंगे हेलो बेटा भव्या सिंह हाउ आर यू कैसे हो भव्या आप तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 2x के कितने फैक्टर होंगे हाउ मेनी फैक्टर डज 2x हैव 2 एंड x वेल well डन प्राप्ति तो इसके पास एक टू है और एक है एक्स तो इसका हो जाएगा टू एंड इसके पास दो दो फैक्टर हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा होता अब इसके पास कितने फैक्टर होंगे बताओ फाइव एक्स क्यूब के पास कितने फैक्टर्स होंगे बताओ बेटा सभी लोग इसका अब आ जाओ फाइव एक्स क्यूब पे तो फाइव एक्स क्यूब के पास कितने फैक्टर्स होंगे बताओ जल्दी से जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग फाइव एक्स क्यूब के पास कितने फैक्टर्स होंगे है है बेटा 5 X3 है, बताओ बताओ आई एम ऑल्सो आई एम गुड बेटा आई एम ऑल्सो गुड आई एम गुड नो किसी के आंसर करेक्ट नहीं आए हैं मैंने पूछा कितने फैक्टर हैं वन फैक्टर हैं कि टू फैक्टर हैं कि थ्री फैक्टर हैं कि फोर हैं कि फाइव हैं कि सिक्स हैं कि सेवन हैं आपको ऐसे आंसर करना है है ना आपको ऐसे आंसर करना है चलो बस सिंपल सा नंबर में आंसर करो कितने इसके पास फैक्टर्स होंगे ओके ये सारीखा करेक्ट, करेक्ट 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 नो लक्ष्मीकांत काउंट करो फिर से बेटा यस प्राप्ति करेक्ट तो आप लोग आप समझ गए हो कि कैसे हम लोग फैक्टर को काउंट कर रहे हैं देखो इसका एक फैक्टर हो गया फाइव अब x क्यूब के कितने फैक्टर होंगे x क्यूब किसको मिलके बना होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स से मिलके बना होता है तो एक फैक्टर हो, हो, हो गया ये तो वन टू थ्री और एक फैक्टर क्या हो गया एक फैक्टर हो गया फाइव खुद मीन्स फोर तो इसके पास टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे फोर फैक्टर्स इसके पास टोटल हो जाएंगे कितने फैक्टर हो जाएंगे फोर फैक्टर कौन कौन से फाइव होगा एक्स होगा एक्स होगा फिर एक्स होगा तो इसके पास हो जाएंगे टोटल फोर फैक्टर्स क्या समझ में आया क्या समझ में आया इसके पास कितने फैक्टर होंगे इसके पास हो जाएंगे फोर फैक्टर बेटा को आप डिवाइड भी करोगे अलग अलग है ना तो इसके पास टोटल कितने फैक्टर्स आएंगे फोर फैक्टर आएंगे अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करके पढ़ो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो तो अच्छे समझ में आएगा इसके पास हो गया फोर फैक्टर एक क्वेश्चन और करो इसका एक क्वेश्चन इसके और करो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए टू एक्स क्यूब वाई बताइए थैंक यू बेटा नंदन थैंक यू सो मच थैंक्स सो लॉ चलो तो इसके पास कितने फैक्टर्स होंगे बताओ अब आप लोगों को एकदम क्लियर होगा ना कि इसके पास कितने फैक्टर्स होने चाहिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए इसके पास चलिए बताइए सभी लोग ओके okay, अब समझ में आ गया सभी को वेल well डन बेटा इसके पास होंगे सिक्स फैक्टर कितने हो गए टू हो गए फिर हो गया एक्स कॉमा एक्सा वाई कोमा वाई काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वेल डन तो इसके पास हो गया सिक्स फैक्टर अब अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया होता सपोज माइनस तो इसके पास कितने फैक्टर होंगे सेम क्वेश्चन है बस इसके आगे हमने लगा दिया माइनस तो बताओ क्या फैक्टर पे कुछ फर्क पड़ेगा या फिर सेम फैक्टर रहेंगे टेल मी। अब इसके पास कितने फैक्टर होंगे अगर हमने आगे माइनस लगा दिया तो वेरी गुड वेरी गुड तो देखो स्पेशल क्लास देखने का फायदा हुआ इनको आई थिंक थोड़ा सा है ना सेवन फैक्टर हो जाएंगे बेटा कैसे होंगे आपको मैं अब समझा देती हूँ देखो कैसे सेवन फैक्टर होंगे तो एक फैक्टर जितना आप लोग यहां से सिक्स निकाले थे ना वो सेक्स आपका एकदम करेक्ट है वो सिक्स रहेगा ही रहेगा है ना फैक्टर बेटा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है फैक्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता ये चीज ध्यान देना सभी लोग ठीक है ओके okay, बेटा प्राप्ति फैक्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है और नंदन बेटा आप भी थोड़ा सा समझ लो कि फैक्टर सेफ नहीं रहेगा फैक्टर चेंज हो जाएगा हाँ तो फैक्टर चेंज हो जाएगा कैसे चेंज होगा देखो यहाँ पे आपने इसका आंसर बताया था कि आपके पास सेक्स फैक्टर हैं अब यहाँ पे देखो माइनस वन का भी तो मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे में किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ था इस पूरे में माइनस वन का हुआ होगा तभी जा करके ये नंबर नेगेटिव आया होगा तो माइनस वन को भी हम लोग एक फैक्टर काउंट करेंगे और आपके पास टोटल फैक्टर हो जाएंगे बेटा वन प्लस सिक्स विच इज इक्व टू द सेवन तो इसके पास टोटल फैक्टर कितने हो गए इसके पास टोटल फैक्टर हो गए सेवन गॉट इट अभी क्या क्लियर हो गया प्राप्ति इसके पास टोटल फैक्टर कितने हो गए सेवन फैक्टर हो गए क्योंकि माइनस भी साइन लगा है तो माइनस साइन लगा होगा तो हम माइनस वन को भी काउंट करेंगे हमेशा जैसे माइनस ए बी अगर लिखा हुआ है तो माइनस ए बी में कितने फैक्टर होंगे फैक्टर होंगे एक होगा माइनस वन एक होगा ए और एक होगा बी इट तो माइनस ए बी के पास कितने फैक्टर हो रहे हैं माइनस ए बी के पास हो रहे हैं थ्री फैक्टर एक माइनस वन एक ए और एक बी तो इसके पास हो गए टोटल थ्री फैक्टर क्या समझ में आया माइनस सेवन नहीं होगा बेटा क्योंकि हम नंबर में काउंट कर रहे हैं ना नंबर में हम काउंट कर रहे हैं तो -7 ऐसा कुछ नंबर आप काउंटिंग में कैसे करोगे फोर है सिक्स है माइनस सेवन है, 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 आप नंबर में नहीं काउंट कर सकते हो है ना कि आप क्या कैसे बताओगे कि इसके पास माइनस सेवन है बनता ही नहीं है आप काउंट कैसे करोगे माइनस सेवन इस वजह से माइनस सेवन नहीं होगा सिक्स हम लोगों ने काउंट किया एक माइनस वन को काउंट कर लिया तो आपका सेवन आराम से आ रहा है वो होगा सेवन बेटा क्योंकि माइनस वन साइन हम लोग नहीं ले रहे हैं अगर साइन का मल्टीप्लाई लेते हैं तो आप उसको माइनस सेवन कहते बट हमको माइनस वन एज फैक्टर काउंट कर रहे हैं तो जब काउंट करोगे तो सिक्स में एक फैक्टर और एड हो जाएगा जो हो जाएगा सेवन आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया चलो तो क्रिस्टल क्लियर हो गया नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ये आप लोग अच्छे से जानते हो तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर ये दोनों क्या है लाइक like टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों के पास एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम है तो जिसके जिसके पास एलजेब्रिक फैक्टर्स सेम रहेगा वो हो जाएंगे लाइक टर्म्स जरूरी नहीं है कि सभी के पास x हो या फिर सभी के पास y हो टू एक्स वाई है यहाँ पे क्या है देखो टू इंटू एक्स वाई है यहाँ पे फाइव इंटू एक्स वाई तो इनके पास भी फैक्टर सेम है तो ये भी हो जाएंगे क्या ये भी हो जाएंगे लाइक like टर्म्स क्या हो जाएंगे ये ये भी हो जाएंगे लाइक like टर्म्स तो लाइक like टर्म्स आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से अब अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं ये समझ लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंटू एक्स इंटू वाई

तो ये लाइक like और अनलाइक का समझ में आ गया अब एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स कैसे करते हैं एडिशन ऑफ लाइक आपको बताया टू एक्स और थ्री एक्स ये दोनों है लाइक like टर्म्स इसका आपको करना है एडिशन तो इसके एडिशन करने के लिए आप क्या करोगे टू को और थ्री को ऐड कर लोगे उनके न्यूमेरिकल कोफिशेंट्स को बस ऐड कर लो और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा तो टू प्लस थ्री को ऐड कर लोगे क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा तो आपका आंसर आ गया फाइव एक्स ओके ये समझ में आ गया सम क्वेश्चंस हाँ बेटा सम क्वेश्चंस देखो मैं दिखा रही हूँ इसका एडिशन कैसे करोगे टू एक्स प्लस थ्री एक्स तो इनके न्यूमेरिकल कोफिशेंट्स को हमने ऐड कर दिया और ये हो गया फाइव एक्स ओके और देखो कैसे सब्ट्रैक्शन में कैसे करोगे तो सप्रैक्शन में भी सेम वही चीज करते हैं कि न्यूमेरिकल को सप्रैक्ट कर लेते हैं जैसे कि आपको 3X में से 2X को करना था तो आपने या फिर एक्स लिखो दोनों सेम बात है तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स यस ओके करेक्ट हो गया सभी को समझ में आ गया अच्छे से चलो तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स तो एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स तो और भी सिंपल होता है इसमें तो कुछ भी नहीं करना है अनलाइक टर्म्स जैसे कि ये हो गया 3x ये हो गया 4 into y तो इसको ऐड करना है क्या करोगे बस सिंपली एडिशन का साइन पुट कर दो और आपका एडिशन हो गया कंप्लीट तो अनलाइक टर्म्स के एडिशन करने के लिए क्या करते हैं इफ वी हैव टू ऐड द अनलाइक टर्म्स देन वी जस्ट हैव टू पुट एन एडिशन साइन बिटवीन द टर्म्स जो दो टर्म्स दिए गए हैं जो कि अनलाइक हैं, उनके बीच में एडिशन का साइन लगा दो हो गया आपका टर्म्स का एडिशन, है ना? Yes, तो हो गया आपका टर्म्स का एडिशन इसी तरह से भी होता है टर्म्स का, वो कैसे होता है मान लो आपको यहाँ पे दिया हुआ है थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर यहाँ पे फोर इंटू वाई का स्क्वायर यहाँ पे फाइव इंटू एक्स वाई ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, और आपको इनको करना है सप्रैक्ट तो इनको सप्रैक्ट करने के लिए बस उनके बीच में क्या कर जाएगा कंप्लीट तो ये हो गया इन सब का, है तो क्वेश्चन तो के लिए तो क्वेश्चन में पुट अप करती हूँ एक पे देखो इसका आंसर बताओ कि क्या ये लाइक टर्म्स का एडिशन हो रहा है या फिर अनलाइक टर्म्स का एडिशन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने बोला कि सेवन एक्स स्क्वायर वाई और फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैसे टर्म्स हैं लाइक like हैं या फिर अनलाइक हैं पहले तो ये बता दो अनलाइक हैं तो इसका एडिशन कैसे होगा लाइक like हैं तो इसका एडिशन कैसे करोगे मुझे ये क्लियर करो चलो तो सेवन एक्स स्क्वायर वाई है और फाइव एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ये दोनों हैं अनलाइक टर्म्स वेरी गुड क्योंकि यहां पे है एक्स का स्क्वायर और यहां पे भी एक्स का स्क्वायर है एक्स तो सेम है बट वाई में डिफरेंस हो गया है इस वजह से ये दोनों हो गए अनलाइक टर्म्स तो अनलाइक हो गए अनलाइक टर्म्स के एडिशन के लिए आप क्या करोगे अनलाइक टर्म्स के एडिशन के लिए दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा दोगे और ये हो गया कंप्लीट वेल डन बेटा करेक्ट यस सभी के आंसर करेक्ट आए हैं ओके तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स और दोनों के आप एडिशन करने के लिए इनके बीच में एक एडिशन का साइन लगा दोगे नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अब आपको कुछ लंबे चौड़े एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिए होंगे तो उसका एडिशन कैसे करोगे आप लोग लो, एंड हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा और सीख लो उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को एंड कर देंगे एडिशन ऑफ जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं टू एड द जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ज दम सो दाइक टर्म्स कम टूगेदर मतलब अगर आपको बड़े से जनरल टर्म्स दे दिए हैं और आपको करना है उनका एडिशन तो कैसे एड करोगे जितने लाइक like टर्म्स है उनको एक साथ रख लो जितने जितने लाइक like टर्म्स है उनको एक साथ आप रखते चले जाओ और सिंपली फिर उनको एड कर लोगे तो आपका एडिशन हो जाएगा कंप्लीट समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ जैसे कि ट्वेल्व पी स्क्वायर है यहाँ पे है फोर पी स्क्वायर तो ये इतने बड़े एक्सप्रेशन में से हमने लाइक like और लाइक like टर्म्स को एक साथ में कर लिया तो क्या हो गया ट्वेल्व पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर उसके बाद पी पी वाले टर्म्स को देखो वो कितने हैं उन सभी को एक साथ कर लो तो ये हो गया देखो नाइन पी फाइव पी और माइनस सेवन पी तो इनको एक साथ कर लो माइनस नाइन पी प्लस फाइव पी माइनस सेवन पी और प्लस हो गया टेन तो इसको कैसे करेंगे बेटा हम जितने भी आपके पास ना एक्सप्रेशन हैं उसमें लाइक like लाइक -like वाले को एक साथ ऐड कर लो अनलाइक वाले को अलग रखे रहने दो जितने लाइक like लाइक -like आपको मिल रहे हैं उनको एक साथ ऐड करते जाओ बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर आंसर तो answer आप लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया है ट्वेल्व पी स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर क्या हो गया एट पी का स्क्वायर उसके बाद माइनस नाइन माइनस सेवन कितना हो जाएगा माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव करेगी तो येगा माइनस इलेवन पी और प्लस टेन तो आपका आंसर आ गया 8P square minus 11P plus 10. Well done, बेटा, है है आप सभी के. Well done, well done. Correct answer, okay? Next, देखो, इसका भी answer बताओ. आपको करना जर्नलिक एक्सप्रेशन तो इसके सब्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे वाइल सब्रैक्टिंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वी हैव टू लाइक टर्म्स और फिर सब्रैक्ट कर लो तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम है कि आपको लाइक लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करते जाना है और उसी तरह से हमारा हो जाएगा काम तो सब्ट्रैक्ट 4ab ए बी माइनस फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर फ्रॉम फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस ए तो चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा सभी लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले टर्म्स को यहां से है ना इस टर्म को आपको यहां से करना है सब्रैक्ट तो कैसे सप्ट्रैक्ट करोगे फटाफट पट से बताओ जल्दी से कैसे आप लोग सब्रैक्ट करोगे जल्दी से बताओ मुझे सिंपल सा है फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस ए बी इसमें से सप्रैक्ट करना है मीन सप्रैक्शन का साइन लगा के फोर ए बी और माइनस फाइव बी स्क्वायर माइनस थ्री ए का स्क्वायर हो गया ठीक है फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री बी माइनस ए बी माइनस हो जाएगा फोर ए बी प्लस हो जाएगा फाइव बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा थ्री ए का स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे पॉजिटिव में अब लाइक like और लाइक like वाले को एक साथ कर लो तो फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर एट ए का स्क्वायर किसी का आंसर आया थ्री बी कितना था थ्री बी का स्क्वायर था आई थिंक है ना यस थ्री बी का स्क्वायर है थ्री बी का स्क्वायर प्लस फाइव बी का स्क्वायर क्या हो गया ये हो गया एट बी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस फोर ए बी माइनस फाइव ए बी तो आपका आंसर क्या आ गया एट ए का स्क्वायर प्लस एट बी का स्क्वायर माइनस फाइव ए बी करेक्ट समझ में आया क्या क्या समझ में आ गया यस बिल्कुल करेक्ट बेटा वेरी गुड तो इसका आंसर हो गया एट ए का स्क्वायर प्लस एट बी का स्क्वायर माइनस फाइव ए बी वेरी गुड बेटा प्राप्ति चलो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे मोनोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एंड पोलोनोमियल क्या होता है

यस वेरी गुड तो ये था मोनोनोमियल जिसके पास सिर्फ एक एक एक्सप्रेशन होते हैं बायनोमियल बायनोमियल क्या होता है एनी एक्सप्रेशन हैज टू टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड तो देखो जहां पे हो जाएंगे उसे हम कह देंगे बायनोमियल टू एक्सप्रेशन हमें टू टर्म्स कैसे पता चल रहे हैं तो टू टर्म्स कैसे पता चल रहे हैं देखो इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा है इन दोनों के बीच में एडिशन का साइन लगा है यहाँ पे सब का साइन लगा है तब जाकर के ये हो रहा है ना टू टर्म्स है ना मैंने आपको ये सारी टर्म्स को पहचानने की कंडीशन पहले से बताई थी और एक चीज और याद रखना दोनों अनलाइक होने चाहिए जैसे कि यहाँ टू एक्स है और यहाँ पे थ्री एक्स लिखा हुआ है तो आप इसको एड कर दोगे तो ये मोनो नहीं ये बाय नहीं ये कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा मोनोनॉमियल एडिशन होने के बाद क्योंकि इसके पास सिंगल टर्म्स हो जाएगा तो बाय होने के लिए क्या होना चाहिए टू टर्म्स होने चाहिए जो कि होने चाहिए बेटा अनलाइक टर्म्स ठीक है ये चीज भी ध्यान देना

चलो तो फ्रैक्शन और डेसिमल में जरूरी नहीं है बेटा ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ऐसा हो सकता ना टू पॉइंट वन इंटू ए लिखा है प्लस थ्री पॉइंट बी लिखा है ऐसा भी तो हो सकता है तो ये बाइनोमियल नहीं होगा क्या हो जाएगा ये बाइनोमियल ना है ना टू एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई मोनो नॉमियल ये सारी काम टू एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई अगर आप ऐसे देखोगे आपको क्वेश्चन में पूछा है ये चीज लिख करके डायरेक्ट तो आप इसको कहोगे बाइनोमियल बट अगर आपसे पूछा है क्वेश्चन में सिंप्लीफाई इसको करो सिंप्लीफाई करके फिर बताओ कि ये कौन सा टर्म है तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा सिक्स एक्स वाई जो कि हो जाएगा मोनोनोमियल अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर करना होगा तो आप कहोगे बायनॉमियल बट अगर आपसे पूछेगा सिंप्लीफाई करके तब आंसर करो तो आप कहोगे कि ये मोनोनोमियल है ठीक है yes, यस तब आप कहोगे मोनोनोमियल है अब पोलिनोमियल क्या होता है तो पोलिनोमियल होता है जिसके पास वन या फिर उससे ज्यादा टर्म्स होते हैं बायनोमियल ट्राइनोमियल पोलिनोम ये सब क्या हो जाते हैं एक ही पोलिनोम के अंदर आ जाते हैं जैसे कि देखो जिसके पास वन से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो सब हो जाएंगे polynomial. तो पोलिनोम लिखा होगा तो ये भी हो जाएगा पोलिनोम टू एक्स वाई प्लस नाइन वाई होगा प्लस फोर होगा तो ये भी हो जाएगा पोलिनोम तो वन या फिर उससे ज्यादा एक्सप्रेशन जिसके पास भी होंगे उसे हम कहते हैं पोलिनोम तो आई होप सभी कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छे से वीडियो कर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, लेट्स क्रैक चैनल को कर लेना और आइकन को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिनट्स ही बचे हैं सिर्फ तो जल्दी से आ जाओ सभी लोग स्पेशल क्लास पे आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर और जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जल्दी से जाओ फॉलो करो और आ जाओ सेवन थर्टी पे स्पेशल क्लास में और ध्यान रखना जनवरी को है यूट्यूब फेस्टिवल जिसमें आपको जरूर से आना है मिस नहीं करना है पे पे होगी classes, होगी स्पेशल क्लासेस मैथ की की आपको सिखाई जाएगी मैथमेटिक्स ऐसी ट्रिक्स जिससे कि आपका कैलकुलेशन हो जाएगा फास्ट ठीक है तो आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं सभी लोग जल्दी से आ जाओ सेवन पे स्पेशल क्लास और जिसने फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर के फॉलो कर लो ओके तो बाबा टेक केयर मिलते हैं अकेडमी पे यस बेटा ओके ओके ठीक है जल्दी से ब्रेक लेके फिर से आ जाओ सेवन थर्टी पे बाय